बात करते हैं कि गैलीलियो का भी लॉ इसके अंदर आता है, ओड नंबर्स का, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी एक हाइट की बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को अगर गिराया जाए, फ्रीली फॉल किया जाए, तो वह ऑब्जेक्ट हर डेफिनेट इंटरवल के बाद जो डिस्टेंस कवर करेगा उन सब का रेशियो ओड नंबर्स में आएगा। जैसे सोल्व करके देखते हैं कि एक ए पार्टिकल को हमने यहाँ से गिराया, वह फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा, फोर्थ में करेगा, वो सबका रेशियो 1:3:5:7 आएगा। इस टाइप से चलता जाएगा। इस चीज़ को हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। तो हमने एस एनथ का फॉर्मूला पढ़ा था, एक क्या था, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। लास्ट क्लास में हमने इसका प्रूफ भी किया था कि एनथ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ये होगी हमारी। तो अब इस केस के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। यू हमारा कितना है, जीरो है। एक्सेलेरेशन हमारा कितना है, टेन है। आप जी वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, अदरवाइज टेन पुट कर लो, क्योंकि वैल्यू हमारी कैंसिल आउट ही होनी है रेशियो के अंदर। तो एस वन की बात करते हैं कि फर्स्ट सेकेंड के अंदर कितना चलेगा एस फर्स्ट। तो फर्स्ट के अंदर यू की वैल्यू तो हमारी जीरो है ही है, प्लस एक्सेलेरेशन की वैल्यू टेन बाई टू, टू इंटू वन माइनस वन कितना आ जाएगा, ये टू माइनस वन तो वन ही हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा, तो 5 मीटर वैल्यू आ जाएगी। ऐसा यूनिट में हम चल रहे हैं। सेकंड के अंदर क्या होगा, जीरो प्लस टेन बाई टू इंटू टू इंटू टू माइनस वन, यानी 5 इंटू 3 आ जाएगा ना, ये 15 मीटर। एस थर्ड सेकंड में देखते हैं, जीरो प्लस टेन बाई टू टू इंटू थ्री माइनस वन, क्योंकि चेंज तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एन की वैल्यू हो रही है। फर्स्ट के लिए 1 है, सेकंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 3 है, बाकी यू और ए की वैल्यू तो हर एक में कॉन्स्टेंट है ही है। तो 6 माइनस 1 कितना हुआ, 5, 5 इंटू 5 कितना हुआ, 25 मीटर हुआ। एस फोर्थ क्या होगा, 0 प्लस 10 बाई 2 2 इंटू 4 माइनस 1, तो 2 इंटू 4 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 5 कितना होगा, 35 मीटर। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब इनका अगर रेशियो निकालें, एस फर्स्ट रेशियो एस सेकंड रेशियो एस थर्ड रेशियो एस फोर्थ, तो क्या होगा, 5:15:25:35। अगर इनमें 5 कॉमन लेकर इनको कट करूं तो 1:3:5:7। अगर फिफ्थ होता तो यहाँ 45 आता तो 9 आ जाता। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हमारी चलती रहेगी। तो हमने गैलीलियो के इस लॉ को प्रूफ किया है हर एक एक सेकंड के इंटरवल के बाद। आप कोई भी टी टाइम का इंटरवल ले सकते हो, कि जैसे न्यूमेरिकल इस टाइप से पूछ लिया घुमाने फिराने के तरीके से, कि हर 5 सेकंड के बाद होता हो, पहले 5 सेकंड में वह एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना करेगा, 3x करेगा, उसके नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद फिर से 5x करेगा, यानी हर एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट जो होगा वह ऑब्जेक्ट हमारा ओड नंबर्स के अंदर रेशियो बनाएगा डिस्टेंस ट्रेवल का। तो ये हमारा गैलीलियो का लॉ है। तो हमारा आज का मोशन अंडर ग्रेविटी का तो टॉपिक यहीं पे ही कवर होता है। इसके बाद मैं आपको दो छोटी छोटी जो एनसीईआरटी के अंदर एक डेफिनेशन टाइप ही मानो दो छोटी छोटी लाइनें दी गई है, वो चीज़ें हम कर लेते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपसे आपके स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर, तो इनको आप ज़रूर याद रखना। जैसे वो दो छोटी छोटी बातें क्या हैं, छोटी छोटी बातें ये है कि रिएक्शन टाइम मीन्स कि एक बंदा कोई चीज़ देखेगा, सोचेगा, उसको एक्ट करेगा, उसके अंदर चाहे माइक्रो सेकेंड लगेगा तो सही ना,
जैसे आप बाइक चला रहे हो, अचानक से छोटा बच्चा आपकी बाइक के सामने आ जाता है तो आपका दिमाग सोचता तो है ना, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है सोचने की, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम सोचने में भी तो लगता है हाँ बच्चा आया है मुझे ब्रेक लगाना है, तब जाकर बाइक रुकेगी। तो थिंक टू एक्ट जो टाइम इंटरवल होता है वह हमारा रिएक्शन टाइम होता है। कई बार आपके न्यूमेरिकल्स में ये कह दिया जाएगा कि एक बंदा बाइक चला रहा है, एक पार्टिकल आगे है, वह उसको देखता है, उसका रिएक्शन टाइम 0.1 सेकंड है, तो वह किस मतलब कि किस रेट से ब्रेक लगाए ताकि वह वहाँ से उसे टकराने से पहले पहले बच जाए, तो वो चीज़ें होगी, तो वो हमारा रिएक्शन टाइम होता है डेफिनेशन। और दूसरा है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक न्यूमेरिकल से समझेंगे बहुत आसानी से समझ में आएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब है कि मैंने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने के बाद जैसे मैंने यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू किया, बाइक आ रही थी यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दिया, तो कितनी डिस्टेंस पे जाकर वह रुक जाएगी, वो हमारी होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। नाम से दोनों की दोनों डेफिनेशन क्लियर है, आपको थ्योरी नोट्स के अंदर पूरा पूरा डिटेल से इनकी डेफिनेशन भी समझाई गई है, वहाँ से आप नोट भी कर सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो। न्यूमेरिकल ये है कि एक बाइक, एक बंदा इस बाइक के ऊपर बैठकर इस बाइक को चला रहा है, इस बाइक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मानो, अचानक से एक छोटा बच्चा फोर्टी मीटर की डिस्टेंस दूरी पे उसके आगे आ जाता है। मीन्स बाइक जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, अचानक से उसने देखा कि मेरे से 40 मीटर की डिस्टेंस पर एक बच्चा आ गया है, तो उसे ब्रेक तो लगाने पड़ेंगे। सपोज इसका रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड है, चलो 1 सेकंड मान लो, कैलकुलेशन ईजी रहेगी कि 1 सेकंड उसका रिएक्शन टाइम है, तो उसके द्वारा जो रिटार्डेशन आएगा यानी नेगेटिव एक्सेलेरेशन आएगा उसकी वैल्यू क्या हो ताकि वह बच्चे से टकराने से पहले पहले रुक जाए बाइक। क्वेश्चन को एक बार फिर समझा देता हूँ कि एक बाइक 10 की स्पीड से आ रही थी, अचानक उसके 40 मीटर की डिस्टेंस पर एक बच्चा आ गया, उसका रिएक्शन टाइम 1 सेकंड है, यानी 1 सेकंड के बाद वह उसने देखा बच्चे को, 1 सेकंड बाद वह कुछ ना कुछ प्रोसेस, ब्रेक लगाना है तो ब्रेक लगाना अप्लाई करेगा, उसके लिए सोचने का समय उसका 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड बाद वह ब्रेक लगाएगा, तो किस रेट से वह उसको रिटार्ड करे बाइक को ताकि वहाँ जाने से पहले पहले बाइक रुक जाए, वह मिनिमम एक्सेलेरेशन पूछा है उसने। तो रिएक्शन टाइम के कारण हमारी जो कैलकुलेशन बनती है वो ये बनती है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, यानी रिएक्शन टाइम के अंदर वह कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कितना आगे चला जाएगा, तो वह आगे चला जाएगा एक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्योंकि वह जब सोच रहा था तब उसने ब्रेक तो नहीं लगाया तो कोई एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन तो वहाँ पर होगा नहीं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही एक सेकंड तक वह जाएगा, तो वह कितना होगा 10 × 1 = 10 मीटर, ये एक वैल्यू आ गई। अब वह ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा, यानी यह बाइक अब हमारी यहाँ पर आ गई है, 10 मीटर आगे आ गई है, अब यह ब्रेक लगाना शुरू करेगा, तो इसके लिए कितनी डिस्टेंस तक जाकर रुकना ज़रूरी है, बची हुई डिस्टेंस यानी 30 मीटर तक जाकर रुकना ज़रूरी है। अगर यह बाइक ब्रेक लगाने के बाद 30 मीटर से ज़्यादा चली तो उस बच्चे को नुकसान हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारी इस बाइक के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हुई, 30 मीटर हुई, ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब है। मतलब रिएक्शन टाइम के बाद बची हुई डिस्टेंस जिसके अंदर अंदर हमें बाइक को रोकनी है वह हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस हुई। अब हम पता करेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस का। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस माइनस का डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, एंड 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा,
30 मीटर हो जाएगा। अब हमारा न्यूमेरिकल ये रह जाता है कि एक बाइक 10 की स्पीड से जा रही है 30 मीटर से पहले पहले उसे रोकने के लिए किस रिटार्डेशन को मैं यूज़ करूँ, किस रेट से उसके ब्रेक लगाऊँ, वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू, हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, ए निकालना है। तो टाइम का कोई जिक्र हुआ, टाइम का जिक्र नहीं हुआ, तो हम पहले दोनों इक्वेशंस यूज़ नहीं करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन में क्या चीज़ है, थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन है। यहाँ से पहले पहले रोकने का मतलब क्या हुआ, बाइक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि बाइक को तो हमें फाइनली रोकना ही है, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या कहना चाहता है, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो का स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ए इंटू एस का मतलब 30, तो कितना हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू 100 प्लस 60A, तो 60A किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 100, जीरो से जीरो कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव का मतलब हम इसकी स्पीड को कम कर रहे हैं या रोक रहे हैं, तो रिटार्डेशन की वैल्यू ये होती है। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर, या फिर आप ये मानो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए। दो हमारे एनसीईआरटी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको एग्जांपल की फॉर्म में हमने समझ लिया। तो अब आप लोगों का काम बचता है मैक्स टू मैक्स इसकी कोई प्रैक्टिस करो, आपकी कोई भी एक हेल्प बुक हो सकती है उससे न्यूमेरिकल ढूंढो इनके और करो। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपको बेटर फील होगा इस टॉपिक में। रेस्ट हो चाहे मोशन हो, दोनों की दोनों रिलेटिव टर्म्स होती है, यानी हम किसी के रिलेटिव डिफाइन करते हैं कि वह ऑब्जेक्ट उसके रिलेटिव में रेस्ट में है या मोशन में है। तो अब तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए, जितने भी हमने टॉपिक किए, उसमें हम किसके रिस्पेक्ट में स्टडी करते थे, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टडी करते थे कि एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका जाता है, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर ग्राउंड की तरफ फेंका जाता है। मींस जिसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे थे वह ऑब्जेक्ट हमारा, वह ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पोजीशन पे था, वह मूव नहीं कर रहा था। अब हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वर होगा वह खुद भी चल रहा होगा, उसमें भी मोशन होगा। ग्राउंड को हम रिलेटिव न मानकर किसी एक और मोटिव ऑब्जेक्ट को, यानी जो मोशन में है उस ऑब्जेक्ट को रिस्पेक्ट में रखकर स्टडी करेंगे। तो जैसे रिलेटिव मोशन में सबसे पहले रिलेटिव पोजिशन को समझते हैं हम, रिलेटिव पोजिशन। रिलेटिव पोजीशन का मतलब जैसे मैं ग्राफिकली बताऊं कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज एक बंदा यहां खड़ा है एक्स इज इक्वल टू 2 पर, नेक्स्ट बंदा यहां खड़ा है एक्स इज इक्वल टू 5 पर, एक बंदा और मान लीजिए यहां खड़ा है एक्स इज इक्वल टू 8 पर। तो अगर मैं तीनों की पोजीशन डिफाइन करूं कि पोजीशन ऑफ ए कहां है, तो आप लिखो ए टू आई कैप, आई कैप मींस पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन के अंदर ए की पोजीशन है हमारी एक्स, बी क्या होगा 5 आई कैप, और एक्स सी क्या होगा 8 आई कैप। ये हमने लिखा है ना एक्स ए एक्स बी एक्स सी, ये पोजीशन ऑफ ए बी एंड सी है, और किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये 2 पर है, ये 5 पर और ये 8 पर है। अब मैं कहूँ कि ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ पर है, मींस पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर मैं ग्राफिकली देखूँ, ग्राफिकली मींस पोजीशन ऑफ ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी कहाँ पर है, ए से 3 आगे है ना, ये 2 पर है और ये 5 पर है, ये गैप तो 3 का ही हुआ। तो हम ये लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कहाँ है, ये लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए
तीन आगे है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ग्राफिकली तो हम डायरेक्ट लगा देंगे कि थ्री आई है। थ्री पॉजिटिव आई का मतलब इस डायरेक्शन में आगे की ओर है, तो हमने डायरेक्टली लगा दिया। बट कई बार हमें ग्राफ न दे के डायरेक्ट ये कह दिया जाएगा कि पोजीशन ए की यहाँ है, बी की यहाँ है। अब बताओ कि ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन कहाँ पर है? तो अगर हम इन वैल्यू से कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? है तो थ्री आई। हम क्या देखेंगे, ए के रिस्पेक्ट में तो बी आगे की ओर है ना, पाँच। ये डिस्टेंस टोटल कितनी थी, पाँच। यानी बी की जो पोजीशन थी उसमें से ए की पोजीशन को हमने घटा दिया, ये बीच वाली डिस्टेंस रह गई ना हमारी। मैथमेटिकली तो हम यही करेंगे कि बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को घटा दो, जो वैल्यू रह जाएगी वही हमारी क्या होगी, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगी। यानी हम ए को ओरिजिन बना लेंगे, अपना नया ओरिजिन। यहाँ पर जीरो होता तो ये तीन होता और ये पाँच होता ना, ये तीन होता और सॉरी ये छः होता। तो हम ये कैलकुलेशन करते हैं, तो हम उसी टाइप से लिखेंगे मैथमेटिकली कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ बी का मतलब 5i कैप माइनस 2i कैप इज इक्वल टू 3i कैप। देख सकते हो दोनों की दोनों वैल्यू भी सेम है हमारी। इसी टाइप से अगर मैं लिखूं कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। अब जो सी बंदा है वह बी को देखेगा तो बी तो उसके पीछे है ना, और कितनी डिस्टेंस पीछे है ग्राफिकली, 3 मीटर की डिस्टेंस पीछे है। ये मीटर में मान सकते हो, एक्स इन मीटर गिवन है, ऐसा यूनिट में चल रहे हैं हम। तो यानी सी के रिस्पेक्ट में तो बी पीछे की ओर है, 3 मीटर पीछे है, तो ग्राफिकली हम कहेंगे कि माइनस का 3i, क्योंकि पीछे वाली डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन माइनस आई कैप होती है, राइट डायरेक्शन प्लस आई कैप होती है, तो माइनस 3i कैप रख दिया। मैथमेटिकली अगर हम देखें पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी का मतलब पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ सी। पोजीशन ऑफ बी कितना है, 5i कैप में से 8i कैप घटा देंगे पोजीशन ऑफ सी को घटा देंगे, तो माइनस का 3i कैप रह जाएगा। बिल्कुल सेम आंसर है हमारा। तो हमें इस टाइप से रिलेटिव पोजीशन देखनी है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ है। तो वो एक ऑब्जेक्ट हमारा दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे बी ए के रिस्पेक्ट में तो 3 आगे है लेकिन सी के रिस्पेक्ट में 3 पीछे है, तो इस टाइप से हम पोजीशन को लिखते हैं। तो यहाँ अगर फॉर्मूला लिखें कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए होगा। सिंपल ए बी लिखने का मतलब है हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उनकी क्या पोजीशन थी, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो उस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर मैं ये निकालूं कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, यानी बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ है, बी के रिस्पेक्ट में तो ए पीछे की ओर है, कितना पीछे है, माइनस का 3i। यानी पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, माइनस का 3i। मैथमेटिकली भी हम यही निकालेंगे कि पोजीशन ऑफ ए में से पोजीशन ऑफ बी को घटा देंगे, तो ए की पोजीशन 2i कैप है, बी की पोजीशन 5i कैप है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 3i कैप। दोनों की दोनों बातें सेम। अब आप इसमें और इसमें एक रिलेशन देखो क्या है। ये क्या कहना चाहता है कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब बी माइनस ए है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब ए माइनस बी है। है तो जस्ट नेगेटिव ही ना, इससे अगर मैं माइनस वन कॉमन लूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो अंदर वाली चीज़ तो यही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर हुई, नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और वैसे भी अगर हम लाइन की फॉर्म में समझे कि बी ए से 3 आगे है तो ए बी से 3 पीछे हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ, बात तो वही है ना। इसकी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग प्लस 3i कैप है, तो इसकी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग माइनस 3i कैप हो गई।
तो एक दूसरे की रिलेटिव में ये चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो हमें ये दो बातों का ध्यान रखना है। अब हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को, रिलेटिव पोजीशन समझी, वैसे ही सेम टू सेम हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का है, और एज इट इज़ की एज इट इज़ बातें हमारी रिलेटिव एक्सेलेरेशन को एक्सप्लेन करेंगे तब चलेगी। तो बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है। हम रिलेटिव मोशन इन 1D करें, क्योंकि हमारे इस चैप्टर स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1D मोशन है, तो 1D का करेंगे। जब हमारा 2D स्टार्ट हो जाएगा तो रिलेटिव मोशन 2D का भी हम सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। सेकंड है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2i कैप है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा? 5i कैप, 5 मीटर पर सेकेंड हुआ आई कैप में। वेलोसिटी ऑफ सी क्या होगा? 8i कैप। इन्हीं तीन चीज़ों से हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा। इन तीनों बातों को अलग अलग हम सबसे पहले ग्राफ में समझ लेते हैं। ग्राफ में समझने का मतलब कि जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एक सेकंड बाद ये तो 2 पर चला जाएगा, यानी 2 मीटर आगे हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपनी 2 मीटर मानो, और ये 5 पर चला जाएगा, ये डिस्टेंस अपनी 5 मीटर मानो। सेम टू सेम ये 8 पर चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। तो एक सेकंड बाद देखूंगा तो एक सेकंड बाद तो ए तो यहाँ होगा ना, और बी हमारा यहाँ होगा। तो एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है वही हमारी स्पीड होती है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होती है वही हमारी वेलोसिटी होती है। तो एक सेकंड बाद ए यहाँ पहुँचा और बी यहाँ पहुँचा, तो बी ए से कितना आगे पहुंचा? 3 मीटर आगे पहुंचा ना, आगे पहुंचा मतलब राइट डायरेक्शन में पहुंचा। तो इसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हुआ? 3i कैप हुआ। और यह डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड की है ना, तो पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होती है वो क्या होती है? हमारी वेलोसिटी की वैल्यू होती है। तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हुआ? 3i कैप हुआ। अगर किसी और फॉर्म में समझें इस बात को कि एक पार्टिकल ए 2 की स्पीड से जा रहा है, एक पार्टिकल बी 5 की स्पीड से जा रहा है, इस बाइक वाला इस बाइक को देखेगा, सपोज करो बाइक के ऊपर था ये पार्टिकल, ये पार्टिकल अगर इसको देखेगा तो यह तो सिर्फ 3 की स्पीड से आगे जा रहा है ना, क्योंकि 2 तो ये कम करता हुआ जा रहा है। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस का 3i कैप होगा। और मैथमेटिकली अगर हम देखें कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ बी 5i कैप है, माइनस का 2i कैप रखेंगे तो 3i कैप आ जाएगा। वही सेम टू सेम बातें, यानी जिस टाइप से हमने डिस्प्लेसमेंट को लिखा उसी टाइप से हम वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमारा क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। जैसे हमने ये दूसरी रिलेशन ड्राइव करी, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ कि अगर बी ए से आगे जा रहा है, जैसे ए यहाँ पहुँचा बी यहाँ पहुँचा, तो अगर बी वाला देखेगा तो ये तो पीछे रह गया ना। अगर बी वाले को रोक के देखें, यानी बी के रिस्पेक्ट में देखें, तो ए वाली बाइक तो पीछे की ओर है, लगातार डिस्टेंस इसकी घटती जाएगी। घटने का मतलब नेगेटिव वेलोसिटी है इसके अंदर, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम करेंगे तो माइनस का 3i कैप होगा। वह माइनस का 3i कैप इसका जस्ट नेगेटिव होगा, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होता है। आप अपनी बुक से समझ सकते हो, जो आपके पास हेल्प बुक है, NCERT से इस टॉपिक को समझ सकते हो। हर जगह अलग अलग लैंग्वेज में समझाया गया है, जितना हो सके उतना इजीली आप इस कॉन्सेप्ट को समझो।
एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम इसके न्यूमेरिकल कर लें चाहे वह कितने भी डिफिकल्ट क्यों न हो। हमें सिर्फ यही याद रखना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होता है। सेम टू सेम मैं अगर एक्सेलेरेशन की बात करता तो एक्सेलेरेशन क्या होता, टू आई कैप फाइव आई कैप, सेम टू सेम सारी की सारी बातें चलती। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग कि एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब भी क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होता है। सेम टू सेम ही तो बातें चलेगी। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं रिलेटिव मोशन के। जैसे एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड पर एक कार जिसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, एक दूसरी कार जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 200 मीटर दे दी, और दोनों के दोनों सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, हमें ये पता करना है कि ये कार किस टाइम इसको ओवरटेक कर लेगी। जिस टाइम इसको ओवरटेक करेगी उस टाइम तक ए और बी इनके नाम दे देते हैं, बी कार कितना चल चुकी होगी। यानी एक तो हमें फाइंड करना है कि टाइम यानी किस टाइम है उसको ओवरटेक करेगी, सेकंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना होगा, यानी जब इसको ओवरटेक करेगी उस टाइम यह है इस पोजीशन से आगे कितना चल चुकी होगी। तो हमें ये चीज़ देखनी है। हम अपना स्ट्रेट लाइन का मेथड यूज़ करते आए थे कि हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस चला दें कि इस डिस्टेंस के ऊपर जाकर इसको इसने ओवरटेक किया, और तब तक हम x की वैल्यू निकालते आए थे कि x इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलेरेशन नहीं है तो 10t हो जाएगा, और ये क्या होगा 200 प्लस x होगी इसकी टोटल डिस्टेंस, और टाइम तो उतना ही होगा ना ओवरटेक कर रही है, तो x किसके बराबर होगा 12t के बराबर होगा। तो यहाँ से हम x और t की वैल्यू फाइंड करते थे। हमारा रिलेटिव मोशन अगर हम देखें तो हम ए और बी की रिलेशन देखेंगे सबसे पहले, यानी ये 10 की स्पीड से चल रही है, ये 12 की स्पीड से चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, 2 आगे होगा ना, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कंसीडर करेंगे स्टार्टिंग में हम, कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए का मतलब 12 आई कैप माइनस 10 आई कैप मतलब 2 आई कैप होगा। फिर हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रैवल करेगी ए बी को अचीव करने के लिए, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो 200 ही है ना, जितनी ये यहाँ पर जाएगी उतना तो ये भी आगे खिसक जाएगी तभी तो ओवरटेक होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ए की विद रिस्पेक्ट टू बी तो 200 मीटर ही हुई आई कैप में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 200 आई कैप हुई। तो टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलेरेशन है नहीं, सिंपल लगाएंगे कॉन्सेप्ट अपना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 200 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी क्या होगी 2, यानी 100 सेकंड के बाद इसको ओवरटेक करेगी, 100 सेकंड के बाद इसको ओवरटेक करेगी, उस दौरान x की वैल्यू क्या होगी 100 इंटू 10 1000 मीटर होगी, यानी 1 किलोमीटर होगी। हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं